बलरामपुर में मनरेगा के कामों में बड़ा घोटाला सामने आया। हनुमानगंज में संचालित जल संसाधन विभाग के ऑफिसरों ने रुपए का घोटाला किया है। विभाग के एसटीओ की शिकायत के बाद मामले का खुलासा हुआ। पुलिस की शुरुआती जांच में लगभग 45 लाख रुपए का घोटाला सामने आया। तो उनके लिखित शिकायत पे मैंने भी अपने कार्यपालन अभियंता और सीएमसी निरीक्षण अभियंता कलेक्टर साहब सीओ जिला पंचायत और थाने रामानुजगंज में आवेदन देकर सूचित करना जरूरी समझा था। तो उस आवेदन पे फिर आगे जाके कार्रवाई की। इसकी जानकारी तो थाने से मिल जाना ज़्यादा उचित रहेगा। रोड पर जो है 5 लोग खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया है। धारा 420 से 409 है, आईपीसी के तहत किया गया है। अभी विचार जारी है और इसमें मनरेगा के तहत जो है देवीगंज में काम के संबंध में था, जो 17-18 प्रखंड चल रहा था, जो करीब लगभग 36 लाख रुपये का गबन है शासकीय चीज है। और उनकी एसडीओ की जांच रिपोर्ट पर से जो अपराध पंजीबद्ध की विचार की जा रही है।